हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर यस के किसान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज चलते हैं फिर अपने किसानी खेती की तरफ। आज आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे चीज़ और ये नीलगाय से बचने का उपाय, देसी जुगाड़ से मतलब कैसे नीलगाय से फसल को बचाते हैं, वो सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं हम लोग की तरफ, आपको सब दिखाएंगे। अपने खेत की तरफ आ गए हैं, दिखाएंगे आपको नीलगाय से बचने का मतलब उपाय, मतलब खेत फसल को कैसे बचाया जाता है। हमारे यहाँ आजकल बहुत नीलगाय आ गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग समझ सकते हैं मतलब कितना फसल को बर्बाद कर रही हैं। नीलगाय हुए, गाय हुए, मतलब कोई भी चीज़ जानवर हो तो फसल बर्बाद कर दे रही है। तो दिखाते हैं हम लोग, मेरा कैमरा मैन है, देखिए जा रहा है, उससे कैमरा करके दिखवाएंगे आपको। और मतलब हम दिखाएंगे आपको, समझाएंगे मतलब कैसे बचाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, क्या चीज़ है, वो सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ गए हैं, मतलब आपको दिखाएंगे कि मतलब ये मतलब नीलगाय से बचने का ये जुगाड़ है, जो फसल को नष्ट न करे और चरे न। और किसान सब किसान इस तरह का खेती कर रहे हैं, मतलब अपने सब्जी को बचाने के लिए और फसल को बचाने के लिए। देख सकते हैं मतलब कितना अच्छा है ये, मतलब कितना है, कितना नुकीला है, मतलब इतना चोक चुक इसमें धार है कि मतलब कोई भी जानवर इसमें जा नहीं सकता है। ये देख सकते हैं इसका दूरियाँ एक बीते हैं, मतलब कोई भी जानवर आए इसमें फंस जाए और कट जाए, मतलब वो जा नहीं सकता है अंदर। देख सकते कितना नुकीला है। वो सब्जियाँ बोया हुआ है जो नीनुआ बोलते हैं उसको, मतलब झमरा लगा के बोया गया है, बरसात में कोई दिक्कत ना हो, मतलब वो सड़े गले ना, मतलब उठे ना, मतलब फड़े ज़्यादा। उसके ऊपर तार को, रसाई को बांध दिया गया है खम्भे गाड़ गाड़ कर। देख सकते कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। इसमें जानवर, कोई भी जानवर अंदर जा नहीं सकता, तो मतलब चरेगा नहीं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा है। तो बहुत बढ़िया इसे दिखा देते हैं आपको, कितना नुकीला है, इसमें कोई भी जानवर फंसेगा चाहे कटेगा कुछ भी, बहुत कटने लायक है। चोक चोक धार है पूरा इसका है, तो देख सकते हैं। और भी चीज़ आपको दिखाते हैं, मतलब कैसे एक खम्मा गाड़ा गया है, कैसे मतलब इसको मतलब गाड़ के रसरी को बांधा, मतलब तार को बांधा जाता है कि इसमें नीलगाय हो चाहे कोई भी और जानवर हो, मतलब फसल को नष्ट न करे। आइए दिखाते हैं और भी चीज़, बढ़िया से देख लीजिए कितना मतलब बढ़िया है, कितना अच्छी तरह से गाड़ा गया है, बहुत अच्छी तरह से गाड़ा गया है। बहुत मतलब इसमें कोई भी जानवर जाएगा तो मतलब इसमें फंस जाएगा। तो दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और भी एक चीज़ दिखाएंगे। एक पौधा है, मतलब जो बहुत अच्छा सा फल दिया हुआ है, छोटा छोटा फल है, वो अंजीर टाइप का फल है, आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा है। तो आइए पेड़ की तरफ दिखाते हैं आपको कितना अच्छा है। तो कैमरा मैन आओ जल्दी, तो दिखाते हैं आपको। यही वो चीज़ है, यही ऊपर देख लीजिए, बहुत मतलब अच्छा फल है। देख सकते हैं इसे थोड़ा दिखाओ ऊपर से थोड़ा, बहुत मस्त फल है। इसे अंजीर नाम से जाना जाता है, जो अंजीर जिसको बनता है उससे वही है। दिखाते हैं आपको जूम करके, देख लीजिए कितना अच्छा है। हमारे गांव में सब फसल अवेलेबल है, सब फसल मिलती है। देसी देहात के लोग हैं हम लोग, देहात मतलब बहुत ज़्यादा देहात में मशहूर हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा सब फसल ढूंढेंगे मिलेगा। ये दिखाते हैं आपको कितना अच्छा ये बांध के तैयार हुआ है। वो देख सकते हैं फसल को भी दिखाएंगे कितना मतलब ये बढ़िया फसल है। जीर जो फल है इस पेड़ का, देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो दिखाते हैं मतलब कितना अच्छा ये भी है। जो उधर देखिए नीनुआ बोआ गया है, जो मतलब झमरे पे लगाया गया है, मतलब वो बरसात के थ्रू, बरसात हो तो मतलब कोई दिक्कत ना हो तुरने में, मतलब उसको या तो मतलब उसको मतलब पौधा मतलब सूखे ना, पानी ना लगे, इसलिए झमरा पे खम्मा गाड़ गाड़ के उसको ऊपर से रसरी तान के उस पर चढ़ाया गया है, झमरा लगाया गया है। तो दिखाते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए बहुत अच्छी है मतलब वो नीनुआ, मतलब उसका झमरा और रसव लग गया है। दिखाते हैं आपको, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर मतलब उसमें मतलब जिनका है, हमारा तो नहीं है, हम भी खेती करते हैं, हमारा दूसरे तरफ है, वो मतलब अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कितना अच्छा है, देख लीजिए बहुत अच्छा है। तो चलिए सब कुछ आपको दिखाई दिए, तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो तब तक ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मतलब कैसे नीलगाय को फसल से बचाना चाहिए, मतलब उपाय, देसी जुगाड़, कैसे कांटेदार जो तार होता है उसको मतलब चारों तरफ से घिर के बीच में फसल बोया जाता है खेत में, और किस तरह कोई भी जानवर उसे मतलब नुकसान न करे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। तो चैनल को मतलब लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय जवान जय किसान।